एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का 8:30 बज रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। सुमित अभी टीवी में देख रहे हैं रिव्यू, किसका? मोबाइल का। नया मोबाइल लेने वाली हूँ तो उसी का रिव्यू देख रहे हैं। और ब्लॉग को मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और पीछे मेरा जो बेडशीट है वो ऐसा है, प्लीज इग्नोर दैट, क्योंकि मुझसे नहीं होगा। सुमित अभी घर में रहेगा तो घर थोड़ा सा। एंड मैं क्या बताऊँ, मेरे इतना मेहनत करने के बाद ना मेरा बॉडी एकदम लूज हो गया है, कोई भी कपड़ा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं सेम कपड़ा को रिपीट कर रही हूँ। क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती। बहुत सारे कपड़े इतना ढीला हो गया, इतना स्टिच कर रही हूँ मैं, फिर भी मेरा गंदा लग रहा है। और ज़्यादा टिच ये करने से ना, सिलाई करने से ना मोटा हो जाता है साइड का, पहनने से गंदा लगता है। तो बहुत सारे कपड़े ढीला हो चुका है। मेरा जो वॉच है, घड़ी, वो मेरे हाथ के साइज़ का माप का था, वो भी ढीला हो चुका है। और चूड़ी की तरह इधर उधर होता है, इधर उधर ऐसे ऐसे होता है, इतना मेरा वॉच भी ढीला हो चुका है। इतना मेहनत कर रहे हैं ना, पूरा बॉडी लूज हो गया मेरा। डाइटिंग नहीं करना पड़ेगा, और जो बनता है वही लेके जाना पड़ता है, डिनर में लंच में वही खाना पड़ता है। क्या बताओ, अच्छा नहीं लगता। और कब 30 तारीख आएगा, मैं एकदम छोड़ दूंगी, सच बताओ। और मुझसे नहीं होगा। सुमित भी मुझसे मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, रेगुलर 7:30 बजे छुट्टी दे रहे हैं, ओवर टाइम करने को बोल रहे हैं। हम नहीं करना चाहते, फिर भी जबरदस्ती करने होगा ही, ऐसा हो रहा है। कल ऑफिस में मुझे बुलाया था सर ने कि क्या हुआ है, ऐसे तुम क्यों नहीं कर रही हो? तो मैंने बोला कि घर में मेरा प्रॉब्लम है, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती। तो सर ने बोला तो ऐसा होगा तो मैं आपको रख नहीं सकती। तो मैंने बोला ठीक है सर, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं रिज़ाइन दे देती हूँ। फिर सर ने बोला ठीक है, हम देखते हैं, जहाँ पर आपको ओवर टाइम ना करना पड़े उस जगह पर दूंगी। मैंने बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन 5:30 बजे से ज़्यादा मैं रुक नहीं सकती। लेकिन हिसाब किताब देने के बाद ना निकलते निकलते 6:10 हो जाता है, क्या बताऊँ। और सुमित भी बहुत चीज़ जा रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, वो अकेले अकेले घर में रह रहा है। इसीलिए अब देखिएगा, मैं जब काम छोड़ दूँगी ना, तब वो घर में नहीं रहेगा, तब मैं अकेली रहूँगी। अभी मैं अकेली, मैं ऑफिस जाती हूँ ना, अब वो घर में अकेले रहते हैं, और मैं जब रहूँगी वो नहीं रहेगा। पता चलेगा तब, अब तुम्हें पता चलेगा। देखो कैसे बोल रहे हैं। जब मैं अकेली रहती थी ना, फ़ोन करके बोलती बाबू आ जाओ, मुझे लंच करना है, नहीं आते थे। जैसी करनी वैसी भरनी, वो सेविंग किया है, हेयर कट किया, लेकिन आप सबको दिखाई नहीं पा रही, क्योंकि वो अपने बॉडी में कपड़ा ही नहीं रखता है। मैं कैसे दिखाऊँ आप सबको? ये देखो मेरा बेड कैसा है, अभी वैसा के वैसा ही है, सही नहीं करूँगी। भाई साहब है ना, गंदा करने वाला, हंस भी रहा है। तो चलो बाबू रेडी हो, भाई साहब रेडी हो, अरे हीरो बनेगा, हीरो। 9:45 बज रहे, निकल रहे हैं। सुमित मुझे ड्रॉप करके घर आ जाएंगे। और आज ना जो टिफिन में लेके जा रही हूँ एकदम घटिया है, खाने का मन नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या करें, लेके तो जाना पड़ेगा ना कुछ तो खाना पड़ेगा। छुड़के गए हैं, अभी जा रही हूँ पंचिंग करने के लिए।
फ्रेंड मैं घर आ चुकी हूँ, अभी रात के 8:10 बाकी हैं। आज ना 5:30 से पहले थोड़ा सा पहले ही काम बंद हो गया था, क्योंकि कल है विश्वकर्मा पूजो, आज है रान्ना पूजो, और आज रात में शायद जो बनाएंगे वो कल सुबह खाना पड़ेगा, वो बंगाली का फेस्टिवल है। सॉरी, मैं इस टाइम पे जब भी बात करने जाती हूँ ना डकार आते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम पे फ्रेश होकर नहा धोकर कुछ खाया हो या खाया हुआ होते हैं तो इसीलिए डकार आ जाते हैं। प्लीज़ गंदा मत समझना, ठीक है। और मेरा हेयर थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ तैयारी करेंगे, हेयर वेयर कट करेंगे, लेकिन सच बताऊँ पार्लर जाने का मेरा ताकत नहीं है। पैर आज भी फूला हुआ है, सूज गया पूरा पैर मेरा। तो कल तो छुट्टी है, फिर भी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, वो कल वाला ब्लॉग में आपको पता चलेगा। कल बहुत स्पेशल ब्लॉग है और बहुत सारे कोई आने वाले हैं। सुमित मुझे साड़ी पहन के जाने नहीं देने चाहते हैं, लेकिन देखते हैं क्या पहन के जाती हूँ क्या नहीं, पता नहीं मैं क्या पहनूंगी। तो कल वाला तो ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है विश्वकर्मा पूजा का। और बताइए आप सब कैसे हो, मैं तो ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ ऐसे हालत में है। और पुई साग का सब्जी आज बनाया था सुबह, और पुटी मत जो बोलते हैं उसका भाजी और चावल, ये लंच में मैंने खाया। तो सुबह बोली थी ना मैं आप सबको कि आज का खाना अच्छा नहीं बना, तो भूख के मारे मैं लंच जब किया ना बहुत टेस्टी लगा था। अभी वही डिनर करेंगे, और डिनर में नया एक्स्ट्रा कुछ मेनू ऐड होगा, पता नहीं क्या होगा, वो आपको मुझे बाद में पता चलेगा आपको नहीं। और अभी तो 8:10 बाकी है, अभी टीवी वगैरह ये सब देख रही हूँ, और सुमित गए हैं काम पर, वो आ जाए उसके बाद देखते हैं क्या खाना बनाती हूँ क्या नहीं। और जब भी मैं घर आती हूँ सुमित बाहर रहते हैं, जब वो बाहर रहते हैं मैं घर रहती हूँ, हम दोनों का मीटअप होता ही नहीं है, सिर्फ रात में आते हैं, वो बेड में आके सो जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ, वो लेट करके सोते हैं, अभी मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा थकी हुई रहती हूँ इसीलिए। तो चलो अब सब लाइट ऑफ हो गया, अब सबको ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा बातें ज़्यादा हो रहा है, बकबक ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, कुछ दिन की तो बातें हैं। रात के 9:00, अभी तक सुमित घर नहीं आए हैं, मैं अकेले बैठे मूवी देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, कुछ भी मूवी अच्छा भी नहीं लग रहा है, और बहुत गर्मी भी लग रहा है, फ़ैन एकदम हाई फ्लेम पर कर दिया है, 5 पे कर दिया है, पता नहीं इतना गर्मी क्यों लग रहा है मुझे। फ्रेंड अभी रात के 10:15 हो चुका है, डिनर हमारा हो चुका है, डिनर में पुई साग का सब्जी और छोटा छोटा बेबी स्ट्रीम ने बेबी फिश था उसका फ्राई किया था, यही डिनर में किया, और सुमित मैगी खाया है, और डिनर करके अभी बैठी हूँ, कुछ ऑनलाइन का काम चल रहा है अभी बाबू कर रहे हैं, और मेरा बहुत नींद आ रहा है, आँखों में एकदम नींद भर गया है, ज़्यादा देखकर मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, और ये वाला ब्लॉग बहुत ही छोटा हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं ब्लॉग को इतना अच्छे से कंटेंट कुछ नहीं बना पा रही हूँ, आप समझ सकते हैं भाग दौड़ में पूरा टाइम जाता है, उतना अच्छे से कंटेंट नहीं बन पा रहे हैं, तो इसीलिए पहले से मैं सॉरी बोलती हूँ। और फ्रेंड आज है 16 और ट्यूजडे है, तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से ही गया है, आज आधा टाइम तो काम हुआ है, 5:15 तक काम हुआ, और 5:30 तक उधर का साफ सफाई हुआ कारखाना में, ऑफिस में सब कुछ साफ सफाई किया है। तो कल जाऊंगी, कल का जो व्लॉग है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ज़रूर देखना, बहुत स्पेशल ब्लॉग है। तो चलिए आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।